मुझे लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म को उदारवादी नहीं कट्टरपंथी की तरफ ले जा रहे हैं। जबरदस्ती विपक्ष के लोग मुझे लग रहा है कि तूल दे रहे हैं, राजनीतिक विषय बना रहे हैं। मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार है, मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे सरकार में बेरोजगारी है। लेकिन अगर विपक्ष अगर मुसलमानों के लिए विशेष तौर पर उनको वोट बैंक के नजरिए से देख करके अगर कुछ लाभ दे रहा है तो फिर उसके पास नैतिक रूप से ये कहीं आधार नहीं बचता है कि वो बीजेपी पर कोई अत्यारोप कर। बहुत ऐसे बाबू हैं जो पैसा लेकर काम कर रहे हैं, तो अब अधिकारियों का ही पूरा बोलबाला है। इस समय मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में, हमारे साथ कई सारे छात्र हैं। इनसे जानेंगे कि सावन का महीना भी आज से पर्व स्टार्ट हो गया है, इनसे जानेंगे कि इस समय क्या मेन ट्रेंडिंग में चलना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए। जैसे इस समय चल रहा है कि सभी दुकानदार कांवड़िया रास्ते पर अपना नेम प्लेट चपकाएं, तो इन लोग से जानते हैं क्या मुद्दा चलना चाहिए। भैया इस समय ट्रेंडिंग मुद्दा क्या चलना चाहिए? ट्रेंडिंग मुद्दा तो ये चलना चाहिए कि जो बेरोजगारी है वो चलना चाहिए, पेपर लीक चलना चाहिए, ठीक। जो असंवैधानिक तरीके से संविधान के ढांचे को गिराने की कोशिश हो रही है, साजिश हो रही है, वो मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए, देश का युवा क्या करे मुद्दा ये होना चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था में होना चाहिए, चिकित्सा में होना चाहिए मुद्दा ये होना चाहिए। नेम प्लेट का क्या है? नेम प्लेट तो सबके पास है, जब आदमी जन्म लेता है तो नेम प्लेट के साथ ही जन्म लेता है, तो ये तो कोई व्यवहारिक तो बात हुई नहीं, ये तो चीज़ें हैं, जन्मजात विषय है। जो योगी सरकार ने किया कि जो कांवड़िया वाले रास्ते हैं इस पे आप अपने नाम लगाइए, अपना जात बताइए, इस जात का क्या असर दिख रहा है, क्या हो रहा है? नहीं, असर नहीं दिख रहा है। असर ये है कि इसमें जो सरकारें कह रही थी कि सबका साथ सबका विकास, जो जातीय व्यवस्थाओं पे विश्वास नहीं रखती थी, कह रही थी कि हम जातीय व्यवस्थाएं नहीं देखते हैं, हम धर्म नहीं देखते हैं, किसी का पंथ मजहब नहीं देखते हैं, वो अगर नेम प्लेट लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश ही हो रही है। अगर आप देखेंगे तो इसका भविष्य का या दूरगामी परिणाम बहुत अच्छा नहीं दिखता है। हमें भारत में अनेकता में एकता खोजना चाहिए। यहाँ देखिए कितने पंथ हैं, कितने मजहब हैं, कितने संप्रदाय हैं, कितनी व्यवस्थाएँ हैं, अलग अलग भाषा है, अलग अलग शैली है, उसके बाद भी लोग हम रह रहे हैं ना। 150 करोड़ भारतीय इस देश में निवास कर रहे हैं ना, कहीं कोई ऐसी नहीं। छिटपुट घटनाएं होती रहती हैं, छिटपुट घटनाओं पे हमें इस तरह से सोचना नहीं चाहिए। लगातार कई वर्षों से लोग आते जाते हैं कांवड़िया, क्योंकि सावन का महीना जो है हिंदुत्व के लिए पर्व का मंथ है, लेकिन अचानक से ये आती है कि सभी दुकानदार अपने नाम के आगे नाम लिखें, जाति लिखें, क्या इसका प्रभाव दिखेगा समाज में? इसका प्रभाव बहुत निगेटिव जाने वाला है समाज में, क्योंकि देखिए हम लोग जो है कि जो हिंदू धर्म है वो उदारवादी है, सबसे ज़्यादा उदारवादी हिंदू धर्म है। तो कुछ लोग राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू धर्म को उदारवादी नहीं कट्टरपंथी की तरफ ले जा रहे हैं, जो हमारे समाज हमारे देश के लिए बिल्कुल ही हितकारी नहीं है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो अपने स्वतः के फायदे के लिए कि हम सत्ता में बने रहें, इसके लिए वो हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दों को उठाना चाहते हैं, इससे जो सत्ता में है उनको फायदा होता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करते करते पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान पर ही बात करते हैं, मैं उसी पर करता हूँ कि पाकिस्तान कट्टरपंथी में बर्बाद हो गया, आज उसके यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं है और हम उसी रास्ते पर चल दिए, हम भी कट्टरपंथी कर रहे हैं और कट्टरपंथी में हम भी बर्बाद हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ कोई भी देखिए नेता का काम होता है देश के सुधार की बात करें, शिक्षा पे सुधार की बात करें, रोजगार पे सुधार की बात करें, यहाँ पे समाज जितना सुचारू रूप से अच्छे ढंग से चल सके उस पर बात करें। धर्म पे बात करने का काम धर्म गुरुओं का है। धर्म पे जो राजनीतिक है, जो हमारे राजनीतिक लोग हैं जो संवैधानिक पदों पे या जो है कि बड़े बड़े पदों बैठे हैं, उनका काम है देश को अच्छे ढंग से चलाना, न कि धर्म के बारे में बात करना। वो धर्म के बारे में बात करेंगे हमारा देश ऐसे ही गर्त में चला जाएगा। सरकार किस प्रकार इसमें छात्रों के लिए काम कर रही है? सरकार छात्रों के लिए काम थोड़ी ना कर रही है, वो तो अधिकारियों के लिए काम कर रही है। अरे आप चाहे कहीं चले जाइए, अधिकारी यही लखनऊ विश्वविद्यालय में आप खड़े आए हैं, यहाँ पर भी बाबू जो है कि पैसा लेके काम कर रहे हैं। बहुत ऐसे बाबू हैं जो पैसा लेके काम कर रहे हैं, तो अब अधिकारियों का ही पूरा बोलबाला है, नेताओं की सुनी नहीं जाती है और पुलिस एकदम अपने मनबढ़ई से काम करती है। तो ये नौकरशाही की सरकार है, ये नेता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी चला नहीं पा रहे हैं प्रदेश, ये अधिकारी चला रहे हैं। इसमें कुछ और साथी हैं भैया, ये बताइए कल सरकार ने, योगी सरकार ने अपना एक दिया है मतलब कि सरकार के माध्यम से कि सभी दुकानदार अपने दुकान के सामने नाम लिखें, अपनी जाति बताएं, इसका समाज में कितना असर दिखेगा?
नहीं, मुझे नहीं लगता है कि नाम या जाति के विषय में। बात यह है कि जो वास्तविकता आपका नाम है उसको आप भ्रमित करने के लिए नाम क्यों बदलेंगे। आप किसी अगर गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं, विश्वविद्यालय में एडमिशन चाहिए, तो जो सही नाम है वो चाहिए। स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, जगह गलत नहीं होना चाहिए। तो सही नाम बताने में और नाम छुपा करके उसके पीछे आप कोई गुमराह करने का कारण हो नहीं है। अगर आपका मन साफ है तो आप अपना नाम स्पष्ट लिखिए। मुझे लगता है कि न्यायालय का भी पहले इस पर आ चुका है एक बार, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की ही, मुझे लगता है कि एक बार उन्होंने ये अपने यहाँ कानून पास कराया था कि जो भी लोग जिस नाम से अपना होटल चलाते हैं या कोई भी अपना व्यावसायिक संगठन चला रहे हैं, तो वो अपना नाम स्पष्ट रूप से अपने प्रतिष्ठान का और अपना उस पर अंकित करेंगे। 2006 का मामला है, तो इसको जबरदस्ती विपक्ष के लोग मुझे लग रहा है कि तूल दे रहे हैं, राजनीतिक विषय बना रहे हैं, है नहीं। नहीं, विपक्षी बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ चाहे RLD हो या बिहार की JDU हो, हर उनके खुद संगठन के लोग विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस मुद्दे को वापस लिया जाए। आप किस तरह देखते हैं? नहीं, असल में लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में अगर कोई असहमत है तो अपनी असहमति रख सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो विरोध कर रहे हैं। असहमति होगी तो किसी बिंदु पर होगी, पर मुझे नहीं लगता है कि अपना सही नाम या अपना आपका जो आपके प्रतिष्ठान का सही नाम है वो बताने में किसी को दुख या दिक्कत होगी। अगर मुझे लग रहा है कि आपका प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है, तो आप भी अपने न्यूज़ चैनल का नाम जो रखे होंगे स्पष्ट रखे होंगे। तो वैसे ही अगर कोई नाम है तो उसमें जाति धर्म जबरदस्ती ढूंढने की जरूरत नहीं है, जो जिसका नाम है उसको स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। सभी जाति सभी धर्म हमारे देश में रहते हैं, अचानक सरकार का निर्णय आता है कि आप अपने दुकान में नाम लिखें और जाति बताएं, कितना समाज में प्रभाव दिखेगा इसका? जो बता आप जो ने कहा है आपने कि वहाँ उसमें नाम लिखने के लिए कहा है, किसी को जाति लिखने के लिए नहीं कहा गया है। नाम लिखना है कोई ठीक है, नाम लिख सकते हैं आप, नाम बताने में किसी को कोई हर्ज थोड़ी नहीं है, नाम ही तो लिखने के लिए कहा गया है। और सब बाबा हैं, बम है। सरकार इतने वर्षों से अचानक से कैसे ये नाम लिखने की बात याद आ गई? इसके पहले तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब ये तो मुख्यमंत्री जी से ही पूछ सकते हैं आप, क्योंकि उन्होंने ही बोला है, तो अब उन्हीं से पूछिए। अब हम उनके विचार का तो बता नहीं सकते, उनका विचार क्या था। अब उन्होंने कहा नाम लिखने के लिए, तो आपको नाम बताने में कोई हर्ज नहीं है। अब मेरा नाम आकाश मिश्रा, किसी का कुछ है, फलाना का कुछ है, आप लिख दीजिए। अब लिखते हैं, बहुत लोग लिखते हैं। अब ये दिव्यांग है तो इसमें दिव्यांग ही बैठा होगा, तभी तो लिखा गया है दिव्यांग कैंटीन। अब ये शर्मा जी लिखते हैं, आप भी जाते होंगे शर्मा चाय पीने, तो लिखा है ना शर्मा चाय, तो ऐसे तो लिख सकते हैं नाम। हिंदू मुस्लिम करने के बाद इसका कुछ धंधे पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? देखिए, धंधे पर असर पड़े चाहे ना पड़े, ये उत्तर प्रदेश सरकार का पहले से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत जो है कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में जितने ढाबे और होटल हैं उनमें उनका फर्म का नाम, लाइसेंस नंबर और मालिकों का नाम लिखना अनिवार्य है। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो उत्तर प्रदेश सरकार ला रही है। जो नई चीज़ है पेपर लीक बेरोजगारी, उस पर आजकल कोई नहीं ध्यान दे रहा है। उस मुद्दे को इस देश की मीडिया को चलाना चाहिए और नेताओं को लोकसभा में विधानसभा में आवाज़ उठानी चाहिए। जो पेपर लीक इस देश में हो रहा है और तमाम मुद्दे हैं जिनको सरकार पर को ध्यान देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि ये अनुच्छेद में है, ये नियम में है, लेकिन ठेले वाले को कहाँ मेंशन किया गया है ऐसी बातें? ठेले वाले को भी जाति लिखने के लिए नहीं कहा गया है, उसको नाम लिखने के लिए कहा है। और नाम लिखने में क्या बुराई है? आप अगर कोई काम कर रहे हैं, आप कहीं भी जाते हैं तो बताते कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, तो उस जगह का नाम बताते हैं ना। आपको अपना नाम बताने में क्या शर्म आ रही है? जाति बदलने के बाद जब नाम आया तो क्या इससे धंधे पर जो असर, जो व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन पर कितना असर देखने को मिलेगा? इसका मैं जवाब देता हूं। उससे पहले आपको बता दूं, जस्ट अभी न्यूज आई है कि हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है कि नेम प्लेट लगाना अनिवार्य नहीं है। अभी जस्ट न्यूज आई है, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रोक लगाया है इस पर। तो अब बता रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो धंधे पे असर पड़ेगा। बिल्कुल, हम कह रहे हैं ना, कट्टरपंथी फैलाना हमारे देश को पीछे ले जाना है। और कुछ लोग इस पे आते हैं, बहुत ज्ञान देने लगते हैं कि नहीं, अरे ऐसे कैसे, हमारा धर्म है हम मानेंगे। अरे धर्म है, बिल्कुल मानिए भाई। जितने भी कट्टरपंथी देश हैं बताओ कितना आगे हैं, सब पीछे हैं। जो जितना कट्टरपंथ को बढ़ावा देगा उतना पीछे जाएगा। नेम प्लेट की बात ही नहीं चल रही है। बात आज सदन में बात हो रही थी, बात ये हो रही थी पेपर लीक के बारे में। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा कि कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ हमारी सरकार में। तो या ये जो मामले हैं, या तो मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, या तो विपक्ष झूठ बोल रहा है, या वो बच्चे जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। सत्यता की जाँच किसको करनी थी? आदरणीय मंत्री जी को करनी थी। जब मंत्री जी पाक साफ हैं, मंत्री जी पाक साफ बता रहे हैं, तो मंत्री जी का काम ही है। मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे सरकार में भ्रष्टाचार है। मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे सरकार में बेरोजगारी है। मंत्री जी ने कभी नहीं कहा कि हमारे सरकार में महंगाई है। मंत्री जी ने कभी नहीं कहा
मंत्री जी तो ये भी कह सकते हैं कि प्याज अगर 100 रुपये किलो है तो प्याज खाना छोड़ दो, कल दाल भी 500 रुपये किलो हो जाएगी, तो मंत्री जी ये भी कह सकती हैं कि यहाँ निर्मला सीतारमण जी की यहाँ छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दाल हम भी नहीं खाते हैं, आप भी मत खाइए। तो ये क्या जरूरी है कि जो आप खाती नहीं है आप वो चीज़ें हमें हमारे ऊपर या भारत की जनता के ऊपर थोपेंगी? आपको दाल पसंद नहीं है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि भारत की जनता दाल नहीं खाएगी, ये आप अपनी पसंद की सरकार नहीं चलाएंगे। अभी देखिए क्या आया कल कि सरकारी संगठन आरएसएस के उस सब चीज़ों में जा सकते हैं, स्वयंसेवक बन सकते हैं, जाके अपना वो कार्य कर सकते हैं, ये क्या है? आप एक तरफ तो ये लगाते हैं कि सरकारी कर्मचारी किसी भी ऐसे कार्य पे नहीं रहेंगे जिन्हें उन्हें लाभ मिले, ये लाभ का विषय तो नहीं है आरएसएस, लेकिन देखा जाए तो एक किसी एक सामाजिक संगठन से जुड़ तो रहे हैं आप, वो भी राजनीतिक है, लोग तो कहते हैं, तथाकथित लोग कहते हैं, हम भी मानते हैं कि वो संगठन है बीजेपी का ही या आरएसएस से ही निकला हुआ बीजेपी है, मानते तो सब लोग हैं, लेकिन वो हर बार उसको इनकार करते हैं। तो ये क्या है, सरकारी फरमान नहीं है, यही सब चीज़ों का सुधार है। तो क्या नेम प्लेट वाला मुद्दा वापस लेना चाहिए सरकार को, नहीं लेना? नहीं, वापस लेना चाहिए, वापस लेना ही पड़ेगा, हाईकोर्ट ने जब निर्णय दे दिया है स्थगित का तो फिर उस पर आगे बात होगी, चर्चा होगी, और नेम प्लेट से कोई खास असर नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन असर ये भी पड़ना चाहिए कि आप नेम प्लेट तो लगवा रहे हैं लेकिन उस फल वाले ने जिसने फल उगाया है, मेहनत किया है, उसका समर्थन मूल्य उसको कितना मिल रहा है उस पर चर्चा भी होनी चाहिए। बात यह नहीं है कि अब्दुल बेचेगा कि रहीम बेचेगा कि श्याम बेचेगा फल, बात इसका है कि उसका समर्थन मूल्य जिसको मिलना चाहिए उसको मिला क्या, बिक कितने में रहा है, मिल कितने में रहा है, फायदा कहाँ जा रहा है, ये सब देखना चाहिए। कोल्ड स्टोरेज में जो लोग इन फलों को सुरक्षित रख के महंगे दामों में बेचते हैं, कार्रवाई उनके ऊपर भी होनी चाहिए, उनके ऊपर सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसे मुद्दों पे बात होना चाहिए कि छात्रों, युवाओं, नौजवानों के बारे में बात होनी चाहिए? देखिए जितना आवश्यक है छात्रों के बारे में, युवाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में, उतना ही आवश्यक है जो समाज में मुद्दे वर्तमान में चल रहे हैं, वो भी उतना ही आवश्यक है। और मुझे लगता है कि जिन लोगों के ऊपर इतना आरोप लगा हुआ है पहले से जातिवाद का या धार्मिक पति पक्ष लेने का, वो लोग आज वही आरोप लगा रहे हैं वर्तमान सरकार पर, तो मुझे सिवाय हंसी के और सिवाय मुस्कुराहट के और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी या मुझे लगता है कि विपक्ष में समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में है, तो मुझे लग रहा है कि विपक्ष में होने के बावजूद वो ये नहीं समझ पा रहे कि जब वो सत्ता में थे तो वो किस प्रकार के अध्यादेश पास कर रहे थे, वो किस प्रकार का पक्षपात रवैया अपना रहे थे। त्योहारों में जब हिंदुओं का त्यौहार हो तो उस वक्त बिजली की कटौती, आपूर्ति उसकी पूर्ण रूप से ना हो पाना, उस वक्त उनको सुविधाएं ना दे पाना, उनको जिस प्रकार का मुहैया हो जाना चाहिए सुविधा, उस सारों में आरोप लगाना या उसमें थोड़ा बहुत अनादेश करना या रोक करके देखना, लेकिन उसी वक्त अगर कहीं मुझे कहीं आपत्ति नहीं है कि रमज़ान में किसी मुसलमान को कोई सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ मुसलमान को मिले ये उचित नहीं है, सबको मिले, एक बराबर मिले, एक साथ मिले, लेकिन अगर विपक्ष अगर मुसलमानों के लिए विशेष तौर पर उनको वोट बैंक के नज़रिए से देख करके अगर कुछ लाभ दे रहा है तो फिर उसके पास नैतिक रूप से ये कहीं आधार नहीं बचता है कि वो बीजेपी पर कोई अत्यारोप करें। नहीं, बीजेपी भी तो हिंदुत्व की ही राजनीति करती है, आप विपक्ष पे टिप्पणी कर रहे हैं, बताइए। मुझे लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही है ऐसा विपक्ष कहता है, और फिर मौका लगता है तो उसी के प्रत्युत्तर में बीजेपी के लोग भी विपक्ष को ये कहते हैं कि आप भी तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, तो ये तो जैसे को तैसा वाला है, उसमें किसी एक व्यक्ति का दामन साफ नहीं है आरोप लगाने में, पर व्यक्तिगत तौर पर मुझको ऐसा लगता है कि भाजपा का जो कार्य है या वर्तमान सरकार जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी की, वो सरकार पहले के सरकारों से ज़्यादा स्पष्ट रूप से काम कर रही है। इससे पहले भी लोग बता रहे थे पेपर लीक या तमाम मुद्दे, पहले तो पेपर लीक का कोई मसला खुल के आता ही नहीं था, किसी क्षेत्र विशेष के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था कि वो 90% नौकरियां प्राप्त कर लेंगे या वो पैसे से या वो व्यक्तिगत अपने संबंधों के आधार पर पा जाएंगे, लेकिन पा रहे थे लोग। वर्तमान में ये है कि अब उन दलालों को मौका नहीं मिल पा रहा है दलाली करने का, तो कहीं ना कहीं वो लोग भड़काने के लिए कहीं कोई मुद्दा खुल जा रहा है। अगर आज सरकार थोड़ा ढील दे दे, छूट दे दे दलालों को, तो कोई मुद्दा वापस बाहर खुल के नहीं आ पाएगा। पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है लेकिन पेपर लगातार लीक पे लीक हो रहा है, ये किसकी असफलता है? नहीं, ये असफलता सरकार की ही है, और साथ साथ जो सरकार जिन प्रशासनिक अधिकारियों को दी हुई है
जिम्मेदारी उनकी है। सच में ये सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कि पेपर लीक हो रहा है। हम युवा हैं तो स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि हमारे लिए बहुत कष्ट का विषय है। सालों साल तैयारी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, सीमित संसाधनों में और पैसों में सीमित समय रहते हैं हमारे पास। हम उम्र के हिसाब से तैयारी नहीं करते हैं। उम्र से बहुत पहले अगर जिम्मेदारी आ जाएगी तो नौकरी और तैयारी सब छोड़ करके हम वापस घर जाना पड़ता है। तो ये दुख का विषय है, सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, उन आला कमान अधिकारियों के ऊपर विशेष रूप से सख्ती बरतनी चाहिए और खास करके कोई ऐसा कानून लाना चाहिए जो कोई भी चीट कराने में या कोई ऐसा सिंडिकेट हो जो उसमें शामिल हो तो उन लोगों को ऐसी कोई गंभीर सजा मिले जो एक नाजीर बन जाए। लेकिन फिर मुझे लग रहा है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो विपक्ष के ही, क्योंकि मुझको व्यक्तिगत तौर पर ऐसा लगता है कि विपक्ष का ही वो सिंडिकेट था। अगर कल को भंडाफोड़ होगा तो वही लोग बचाने आएंगे या वही लोग उसमें तू तू मैं करते हुए पकड़े जाएंगे। पेपर लीक से छात्रों पर कितना प्रभाव पड़ता है? अरे प्रभाव पड़ता है कि पूरा टूट जाते हैं छात्र एक तरीके से। छः महीने बाद यूजीसी नेट की पेपर होते हैं 6-6 महीने पर, या नीट के पेपर एक साल में होते हैं। पूरे साल छात्र तैयारी करते हैं, घर से दूर रहते हैं, सच में सीमित संसाधनों में वो अपना गुजारा करते हैं। यहाँ कमरों की स्थिति ये हो गई है कि जो कमरे पहले 3,000 में मुहैया हो जाते थे आज उनकी कीमत 7,000, 7,500, 8,000 तक है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं छात्रों के लिए, और इसके लिए सरकार को सच में बहुत कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए कि आगे से ये सारी चीज़ें ना हों। और जो टेम्पलेट या नेम प्लेट की बात अभी हो रही थी, मुझे लगता है सावन का आज पहला दिन है, सबको सावन की प्रथम सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज चिंता का नहीं चिंतन का विषय है, इसलिए सबको चिंतन करना चाहिए महाशिवरात्रि सावन के बारे में, और महादेव सब अच्छा करें ऐसी कामना है। पेपर लीक आगे से ना हो ऐसा मैं चाहता हूँ, महादेव सब अच्छा करें। धन्यवाद। क्या पेपर लीक जो होता है जो आरोपी होते हैं उन पर पर्याप्त कार्रवाई होती है कि नहीं होती है? अब देखिए ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि उन पर पर्याप्त कार्रवाई होती है कि नहीं, लेकिन अगर होती होती तो ऐसा नहीं होता। अगर सच में कार्रवाई होती होती तो ऐसा नहीं होता, जो मेन एक्यूज है वो बच जाते हैं और कहीं ना कहीं कुछ दूसरे लोग या छोटे स्तर के लोग पकड़े जाते हैं, जबकि बड़े स्तर के जो हाथ हैं वो कभी आते ही नहीं सरकार के उसके फंदे में और चपेट में आते ही नहीं है। और अगर सच में कार्रवाई होती होती और जो बड़े हाथ होते हैं इसमें अगर उनको पकड़ा जाता तो डेफिनेटली इस पर लगाम लगाया जा सकता था। सभी छात्रों से बातचीत हुई, छात्रों ने बताया कि इस देश में हिंदू मुस्लिम से ज़्यादा छात्रों को, युवाओं को रोज़गार, नौकरी जैसे मुद्दे पे ध्यान देना चाहिए सरकार को, पेपर लीक जैसे समस्या को रोक लगानी चाहिए। ऐसे ही अदर और खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं कैमरामैन मिराज के साथ नवीन यादव, #भारत लखनऊ।